माँ गौरी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता माँ गौरी की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आज नवरात्रों के पावन पर्व का आठवां दिन है और आठवें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का ही रूप है। आज नवरात्रों के आठवें दिन हम इनकी महिमा वर्णन और कथा श्रवण करेंगे। तो भक्तजनों एक बार प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय। पूर्ण रूप से गौर वर्ण की है भक्तों माता, माता महागौरी इसलिए तो कहाँ इन्हें जाता। शंख चंद्र और कुंद पुष्प से करते जिनकी उपमा, श्वेतांबर धारी है भक्तों सदा महागौरी माता। आठ वर्ष की आयु ही इनकी मानी जाती है, शुभ फलदात्री माता महागौरी कहलाती है। आठ वर्ष की आयु में सब शास्त्रों का ज्ञान हुआ, अपने पिछले जन्म को भी है माने जान लिया। भोलेनाथ जब पति रूप में इन्हें मिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता महागौरी की आयु आठ वर्ष इसीलिए मानी जाती है क्योंकि आठ वर्ष की आयु में ही इन्हें सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया था और इनको आभास हो गया था कि मैं पिछले जन्म में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। एक महायज्ञ में राजा दक्ष प्रजापति ने भोले का अपमान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर माता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। महागौरी इनको कहा जाता गौर वर्ण के कारण, श्वेत वस्त्र धारण करती माँ श्वेत ही सब आभूषण। श्वेतांबर धरा भी भक्तों इनको कहा जाता है, करती वृषभ सवारी भक्तों महागौरी माता है। महागौरी का रूप अलौकिक जिनकी चार भुजाएं, शिव का डमरू और त्रिशूल है जिनको माने उठाए। एक भुजा तो सदा ही माँ का रहती अभिमुद्रा में, और एक भुजा तो माँ की रहती भक्तों वर मुद्रा में। माँ के उपासक सदा भाग्यशाली कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों माता महागौरी शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ही हैं, अतः इनको भक्ति शक्ति के अवतार में भी पूजते हैं। कुछ भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं तथा कन्याओं को माता का रूप मानकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महागौरी
महागौरी माता करती है भक्तों का कल्याण। ध्यान से इनके अमोख फल का मिलता है वरदान। जिनके विवाह संबंध में यदि कोई बाधा आ जाए, महागौरी के इसी रूप का वो भी ध्यान लगाए। कन्याकुमारी यदि कोई इनका तो ध्यान लगाती, मन चाहे वर की प्राप्ति तो उसको है हो जाती। महागौरी क्यों कहलाती है भक्तों अम्बे माता, वेदों में वर्णित मिलती है इसकी पावन गाथा। आओ भक्तों उसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता महागौरी अमोघ फलदायिनी है। इनकी भक्ति मात्र से ही सारे शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। माता का नाम महागौरी क्यों कहलाया, आइए जानते हैं इसकी पावन गाथा। राजा हिमालय के घर में जब माँ ने जन्म लिया है, उमा पार्वती शैल पुत्री इनका नाम हुआ है। पिछले जन्म का फिर तो माँ को है आभास हुआ, पिछले जन्म में माता सती थी राजा दक्ष की कन्या। भोलेनाथ से माता सती ने विवाह रचाया है, राजा दक्ष ने एक बार महायज्ञ कराया है। महायज्ञ का आयोजन जब राजा दक्ष किया, निमंत्रण तो उन्होंने सारे देवों को है दिया। भोलेनाथ को पर वो संदेश ना भिजवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, जैसे ही माता सती को पता चला कि मेरे पिता के घर में महायज्ञ का आयोजन है, तो उन्होंने भोलेनाथ से यज्ञ में चलने की विनती की। भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, हमें आपके पिता की ओर से कोई निमंत्रण नहीं आया, तो हम बिना बुलाए यज्ञ में कैसे जा सकते हैं। तब माता ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे अकेले ही महायज्ञ में जाने की आज्ञा दें। माता सती की बात को भोलेनाथ टाल ना सके और अकेले ही यज्ञ में जाने की माता को आज्ञा दे दी। भोलेनाथ की आज्ञा से माँ यज्ञ में चली आई, लेकिन यज्ञ में आकर माता बड़ी ही पछताई। राजा दक्ष ने किया यज्ञ में भोले का अपमान, हवन कुंड में कूद गई माँ, त्याग दिए हैं प्राण। माता सती का ही भक्तों जब अगला जन्म हुआ, राजा हिमालय की बन करके आई वो कन्या। अपना पिछला जन्म माता को जब है याद आया, भोलेनाथ को वर के रूप में फिर से पाना चाहा। मुनि नारद फिर माँ को एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता महागौरी रो है शक्ति का स्वरूप।
माता गौरा को जब अपने पिछले जन्म का आभास हुआ तो उन्होंने भोलेनाथ को वर के रूप में अपनाना चाहा। मुनि नारद ने आकर माता से कहा कि इसके लिए आपको बड़ी ही कठिन तपस्या करनी होगी, तब जाकर के भोलेनाथ विवाह के लिए मान जाएंगे। मुनि नारद का ही कहना फिर माता ने माना, कठिन तपस्या करने का अपने मन में ठाना। माता पार्वती के संग की होती है दो सखियां, एक का नाम जया है और है दूजी का विजया। अपने मन की बात उन्होंने सखियों को बतलाई, गुप्त एक वन में माँ की सखियां उनको ले आई। ध्यान लगा कर माता शिव का फिर वहां बैठ गई, एकांतवास में छोड़ के सखियां उनको चली गई। उनके पिता हिमालय भी ये जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस तरह माता मुनि नारद के कहने पर भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए वन में आकर घोर तपस्या करने लगी। उनके पिता हिमालय भी इस बात को नहीं जान पाते हैं। माता ने खुले आसमान के नीचे बैठकर शिव का ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कंदमूल और फल का सेवन ही बस मान किया, अन्न का सेवन ना करने का है संकल्प लिया। कई हजारों वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की, छोड़ दिए हैं फिर तो माने कंदमूल फल भी। पत्ते और बेल ही लगी है फिर तो माता खाने, खुले अंबर तल सर्दी गर्मी बारिश लगी बिताने। पत्ते और बेल का भी फिर माने छोड़ा सेवन, वृक्ष से टूटे सूखे पत्ते बना लिया है भोजन। लेकिन दर्शन देने शिव फिर भी ना आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सूखे पत्ते खाने के कारण माता का एक नाम अपर्णा भी हुआ। निरंतर उपवास के कारण माता की काया अति जर्जर हो गई और माता का अति श्याम वर्ण हो गया। अंत में जब भोलेनाथ माता की तपस्या से प्रसन्न हुए तो माता के श्याम वर्ण को देखकर बड़ा ही अचरज हुआ। भोलेनाथ ने माता को स्वयं ले जाकर पावन गंगा जल में स्नान करवाया और माता अति गौर वर्ण की हो गई। माता के श्याम वर्ण से एक कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम कौशिकी रखा गया। भोलेनाथ ने गंगा जल में इन्हें स्नान कराया, श्याम वर्ण से गौर वर्ण अति निखर के इनका आया। श्याम वर्ण से उत्पन्न हुई जो भक्तों कन्या है, उसे कौशिकी नाम माता महागौरी ने दिया है। महागौरी के रूप में इनका कैसे हुआ अवतरण, वेदों में वर्णित उस कथा का हमने किया वर्णन। महागौरी की पूजा विधि अब तुम्हें बताएंगे,
ध्यान लगा कर सुनना भक्तों जो भी सुनाएंगे। त्रुटि अगर कोई रह जाए तो क्षमा चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, अब हम माता महागौरी की पूजा विधि का वर्णन करेंगे, जिससे माता महागौरी अति प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो भक्त जनों, आइए जानते हैं माता महागौरी की पूजा विधि। भक्त जनों, एक बार प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय। स्नान ध्यान से निवृत्त सबसे पहले हो जाए, ऊनी कंबल या फिर दरी का आसन कोई बिछाए। गंगा जल से माता को स्नान कराना है, श्वेत वस्त्र ही धारण माता को करवाना है। रोली और कुमकुम से माँ को तिलक भी करना है, पंचमेवा और शुद्ध मिठाई भोग में धरना है। श्वेत रंग तो माता को अति प्यारा होता है, आशीर्वाद सभी भक्तों पर तो न्यारा होता है। मंत्र उच्चारण और फिर इनकी आरती गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता महागौरी रो है शक्ति का स्वरूप, माता महागौरी रो है शक्ति का स्वरूप। भक्त जनों, ये थी माता महागौरी की पूजा विधि। माता महागौरी अपने भक्तों को अमोघ फल प्रदान करती हैं। इनके साधक सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित रहते हैं और अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। भक्तों पर कृपा बरसाए सदा महागौरी माता, आदि शक्ति के रूप में ही सदा इनको पूजा जाता। अष्टमी को ही कन्या पूजन भक्त है कुछ करवाते, माता का ही रूप जानकर आशीर्वाद है पाते। हंस राज रलहन है माता तुमको सदा मनाता, आप ही मैया हम सब भक्तों की है भाग्य विधाता। फौज सुरेश की भी तो आपने सदा ही सुनी पुकार, डीएस पाल तो महिमा गाए माँ की बारंबार। आपके आशीर्वाद से सब जिसे सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आठवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।